देवभूमि में भड़की आग की क्या है असली वजह? क्या ये आग हाईकोर्ट को भी अपनी चपेट में ले लेगी? किसे गिरफ्तार किया है पुलिस ने आग लगाने के लिए? पूरी खबर विस्तार से बताएंगे, बने रहे वीडियो के अंत तक। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सिटी वेब न्यूज में। गर्मी बढ़ने के साथ ही उत्तराखंड के विभिन्न स्थानों पर जंगल में लगी आग के विकराल रूप धारण करने के बीच नैनीताल में शुक्रवार को हाईकोर्ट कॉलोनी के पास तक उसकी लपटें पहुंच गई हैं, जबकि रुद्रप्रयाग जिले के जंगल में आग लगाते 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। पिछले 24 घंटों में विभिन्न स्थानों पर जंगलों में आग लगने की 31 नई घटनाएं सामने आई हैं, जिनमें 33.34 हेक्टेयर वन क्षेत्र प्रभावित हुआ है। नैनीताल जिला मुख्यालय के पास के जंगलों में लगी आग ने भीषण रूप ले लिया है। आग पाइंस क्षेत्र में स्थित हाईकोर्ट कॉलोनी तक पहुंच गई है, जिसके बाद इस पर काबू पाने के लिए सेना को बुलाया गया। आग ने विकराल रूप ले लिया है, सड़क पर धुआं छाया हुआ है, लोगों की सांसों पर संकट छाने लगे हैं, जिससे लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आसपास रहने वाले लोगों में दहशत का माहौल है। गढ़वाल मंडल के टिहरी, पौड़ी, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और चमोली जिले के जंगल लगातार धधक रहे हैं। ज्यादातर चीड़ के जंगल होने के कारण आग तेजी से फैल रही है। वन कर्मी आग बुझाने में जुटे हुए हैं। एक स्थान पर आग बुझती है तो दूसरी जगह पर भड़क उठती है। आग से बड़ी मात्रा में वन संपदा को नुकसान पहुंचा है, वहीं पशुओं के लिए चारे की समस्या भी खड़ी हो गई है। इस साल बारिश और बर्फबारी न होने के कारण गर्मी अधिक होने लगी है। बढ़ते तापमान के बीच नैनीताल व आसपास के जंगलों में भीषण आग लगी हुई है। खड़ी पहाड़ियों में आग लगने के चलते वन विभाग व दमकल विभाग की टीम भी कई स्थानों पर आग पर काबू नहीं पा सकी है, जिसके चलते जंगल जलकर खाक हो चुके हैं। अब आग पर काबू पाने के लिए हेलीकॉप्टर की मदद ली जा रही है। जानकारी के अनुसार नैनीताल के लड़ियाकांटा एयरफोर्स, पाइंस, गेठिया, बल्दिया खान, एरीज, बारापत्थर के पास जंगल में आग लगी हुई है, जिसको काबू करने का प्रयास किया जा रहा है। मौके पर दमकल विभाग और वन विभाग है, वहीं कुमाऊं के जंगल धधक रहे हैं। उधर रुद्रप्रयाग के जखोली में 2 अलग अलग वन क्षेत्रों में कथित रूप से आग लगाते हुए 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। रुद्रप्रयाग के प्रभागीय वन अधिकारी अभिमन्यु ने एक प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि वनों में आग को रोकने के लिए गठित सुरक्षा दल द्वारा यह कार्यवाही की गई है। उन्होंने बताया कि जखोली के तड़ियाल गांव के भेड़ पालक नरेश भट्ट को जंगल में आग लगाते हुए मौके से पकड़ा गया। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि बकरियों को चराने के लिए नई घास उगाना चाहता था, जिसके चलते उसने जंगल में आग लगाई। दरअसल उत्तराखंड में हर वर्ष जंगलों में आग लगने की खबरें आती रहती हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह है सर्दी के मौसम में कम बरसात और बर्फबारी होना। कम बरसात और बर्फबारी की वजह से जंगलों में पहले पर्याप्त नमी घट जाती है। इस कारण गर्मियों के सीजन में तापमान बढ़ने की वजह से आग लगने की संभावना भी बढ़ जाती है। इसके अलावा देवभूमि के जंगलों में आग लगने की एक बड़ी वजह चीड़ की पत्तियां भी हैं। प्रदेश में करीब 16-17% चीड़ के जंगल हैं। ऐसे में चीड़ की छाल और पत्तियों से निकलने वाला रसायन ज्वलनशील होता है, जिसकी वजह से आसानी से आग लगने की आशंका बनी रहती है। अभी के लिए बस इतना ही। इस खबर से जुड़ी अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देश प्रदेश से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर जानने के लिए बने रहें सिटी वेब न्यूज पर।